पाचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे चुपो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आजा सुनाऊं एक कश्मीरी कहानी दो रैपर की जिनको थी चाहिए आजादी। हाँ, कोटा लगा के आए लेबल में, आते ही चालू लेबल की बर्बादी। आजादी के ओनर थे दो, एक था उदय और दूसरा था मो। उदय संभालता था अहमर को और मो प्रॉपर्टी ने सीधे मौत को। उदय को प्रिविलेज होने का गिल्ट था, यू ऑलरेडी नो हाउ इट गोस। एक संभाला नहीं जा रहा था, उससे वो साइन कर रहा है फिर नए रैपर दो। और हम बोले जो करना कर, लेकिन व्हाई डू दे फ्लो जैसे सीधे मौत फ्लो। वो बोला कि एसओएस फैन है तुम्हारे, वो सीखे हैं हिंदी रैप करना तुम दोनों से। हम बोले ओके, हम होते अगर प्रब जैसे एसओएस कभी लेबल में नहीं होते। हम पालते नहीं चोंचले, हम सर नीचे रखते हैं और फाड़ते हैं भोसले। नाउ बैक टू द स्टोरी, हम बैठे थे गोवा में साके साथ, नानचा को सर्व किया, कुक किया, किचन में नफरत था स्टोव में। सा बोला अनरिलीज गानों की मिक्सटेप बना दो, बना डाली ना। और जैसे निकाला वो प्रोजेक्ट तो सुनने में आया कि लेबल में चल रही हवा की। लेबल के दो हिजड़े रैपर है मो से मांग रहे डेटा की तनखा, शूट करने को एक वीडियो जिसमें था हमी पे डिस। तुम्ही पे डिस, हमी पे डिस। एक मिनट भाई, मैं तो समझ लेता। तो पहले तुम्हारे लेबल में आते हैं, तुम्हारी गांड चाटते हैं, तुम्हें गोट बताते हैं, उसके बाद बोलते हैं तुमने इनकी एल्बम का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया है, उसके लिए तुम पे डिस बनाते हैं और तुम्हारे लेबल से उसकी वीडियो फंड करने के पैसे मांगते हैं। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे चुपो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। पिछले वर्ष में तुझे दे दिया सब कुछ और इस वाले में तेरा छीन लूंगा सब कुछ। कन्फर्ट नहीं करा ये मुंह पे, बस पीछे ही पीछे से करता रहा फुसफुस। अब लड़की का नाम ला रहा है बीच में, तो एड्रेस भी ले आ, क्यों रहा है छुप छुप। फूकू मैं खास पर, जब मिलेगा धुआं उड़ेगा, वो होगा नहीं कुछ कुछ। तू कह रहा है कॉन्सर्ट बताया है मो को, तो ला साले प्रूफ दे, कब तक तू पलेगा झूठ पे। तूने बताया था उदय को, वो बोला किसी को कुछ नहीं, वो था ड्रग अब्यूज में। तैरो तुम सब मेरे मूड में, देते रहो फेक इंटरव्यूज पे, फेक इंटरव्यूज बदलते रहो लोगों के व्यूज पर, अंतर रहेगा इन व्यूज में। ये दो लौंडे हैं इतने जाली की पीठ पीछे, देते हैं अहमर को गाली और कहते हैं पापे है पैसा बहुत, उसके तो देखा नहीं उसने है स्ट्रगल जरा भी। और तुम अगर ये बातें नहीं कहते तो ये कभी मेरे कानों तक नहीं आती। और अगर मैं कह रहा हूँ झूठ तो हाथ रख कुरान पे, और खाली कसम खुदा की है डेर। तुम्हें जानी सच्चाई है तो सुन, सिद्ध मौत की स्ट्रगल में रही है कई लेयर। 5 साल पहले महीना था जून, मो बोला प्रभ है लेबल का स्टार प्लेयर। करा हमने कैप नहीं ना छोड़ा, हमने हौसला, हम खड़े रहे वही, हम बने रहे टीम प्लेयर। फटी जब बयान और फटी फिर नया, तो फिर आई सारी नजरे हमी पे भी है। तो पाजी हुए जेलस और इनसिक्योर से, वो बैठे हैं घर पे और हम हैं टोर पे। एक वक्त ऐसा कि हम कर रहे हर शो ओपन और वो कर रहे हर शो क्लोज पे। जाम चलते थे प्यार से, वो रखता फैंस को चाकू की नोक पे। फैंस पे चिल्लाता तो शो पे नहीं आता कोई, फिर भी वो सरे हम लेबल को दोष दे। ना मुझे किसी से प्यार और ना मुझे किसी से दुश्मनी, अगर कोई एक्ट करे सस तो बनाऊं उसे विक्टिम और विटनेस को दे रहा हूं हश में। ये लेबल के सांप दो मुंह है डस के चले गए, मुझे अभी भी लगता है शौक ये डुओ है बेटा हमारा। एसओएस का मतलब है स्ट्रेट आउट ऑफ सीधे मौत बिच। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे चुपो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। शैतान के साथ करते नहीं शैतानी, इस वाले वर्ष के लिए नहीं हूं मैं सॉरी। काम वाला वर्ष से लिखा ही नहीं जरा भी, वो और कोई था रैपर जिसने अपनी माचू डाली। लेकिन तू भी हरामी जानी, बातें है घुमारा जानी, उड़े कहीं तीर और तू अपने में घुसा ले जानी। हिजड़े को तो ताली जानी, क्या बेजानी तुझे लगा हमें तेरे बारे में पता नहीं जानी। फिर ये दोनों फोन हैक करते हैं, कश्मीर में लड़कियों के न्यूड्स लीक करते हैं, और जिस दिन उन लड़कियों के नाम पता चल गए उस दिन तेरे घरों पे बिक जानी कब्रें हैं। कोई सारा नामर्दी होगा जो बीफ के पीछे करे बंदी बदनाम, जो कहना है मुझको कह रंडी के बच्चे ले लूंगा वरना तेरी अम्मी का नाम मैं। तुम्हें सही में लगा हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता भाई? कैसे तुम दिल्ली और कश्मीर में बंदियों के साथ सोते हो और फिर बिना उनकी कंसेंट के उनकी फोटो लेते हो और आपस में दोस्तों को भेजते हो? और वो लड़की जिसकी वीडियो लीक हुई है, कृपया सामने आई है, आपका सच हम बयान करेंगे। तब तक के लिए और सच। इनमें से एक का है नाम आतंकी पर दूसरा है आतंकवादी ब्रो। ये पत्थरबाज है, आर्मी पे पत्थर है फैक्ट, और चिढ़ता है भारत से भोसड़ी का पत्थरबाज है। छाती पे निशान है इसकी, ये दोस्तों पे फ्लेक्स है करता, ये पत्थरबाज है। भारत में है ये कमाता और उसी पे पत्थर मारे, हाँ ये पत्थरबाज है। वो बिल्कुल सही क्लिप यूज करी है तूने हमारी, लोगों को दिखना चाहिए जैसे पोले पाले हैं भाई। जिस दिन से तुम्हारा सच पता चला है ना, उस दिन से दूर हूँ तुमसे, और इस गाने में कही गई हर एक बात सच है, तभी तुमसे कहता हूँ। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तुझे मैं बोला था रहन दे चुपो, अब आगे से ज्यादा नहीं फैलते। अब तुझे हाई पैसे दूंगा कि भूला नहीं पाएगा, रहेगा सैम के। कांचों के घर जिनके होते वो दूजों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। Yo, listen.
To think that I leaked their album concept to you is just fucking ridiculous. Like, I haven't got better thing to do with my time, man. I wasn't even managing them. Uday, the fucking prick, was managing them. Same with Ali and Ahmed. I didn't hear their songs, let alone leak a fucking album concept. Two insecure little fucking pricks. Half the time, I didn't even know there'd be a fucking duo. They split up every other day, talking shit behind each other's backs. Man, fuck yeah, I was skeptical, not gonna invest money in those two dicks. They just need to move on and get the fuck on with their lives.